गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। गुड मॉर्निंग हो गई सबका, ब्रेकफास्ट हो गया होगा। ओके चलो, तो हम नेक्स्ट हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आज का क्या स्टार्ट करेंगे, हिंदी। ओके हिंदी हमने कल क्या देखा था, मैंने आपको हिंदी में चैप्टर नंबर टू पार्ट टू का दो का चिड़ियाघर की सैर, क्या है हमारा दूसरा चैप्टर चिड़ियाघर की सैर, जिसका हमने क्या देखा था, हाँ कि चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, हमने उन सभी जानवरों के बारे में हमारी बुक से रीड किया था, है ना, पढ़ा था। और इन सब जानवरों को, इनमें से काफी जानवरों को आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर टू पार्ट दो चिड़ियाघर की सैर। ठीक है चलो, सबसे पहले हम चिड़ियाघर कभी गए हैं क्या, हाँ आप लोग गए हो कभी चिड़ियाघर, नहीं गए भी होंगे मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ, है ना, भैया लोगों के साथ, दीदी के साथ, फैमिली के सभी में लोगों के साथ चिड़ियाघर गए होंगे। आपने वहां क्या क्या देखा, हाँ अभी आप मान लो क्लास में होते तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में सबके सामने कहती कि आपने क्या देखा आपने क्या देखा, बट हम अभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको आपके मोबाइल के थ्रू आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने चिड़ियाघर में क्या क्या देखा, क्या क्या होते हैं, हाँ नहीं पता, सबको पता है चिड़ियाघर में सारे जानवर छोटे से लेके बड़े जानवर तक देखे जाते हैं, है ना। तो कल हमने चित्र में आपको बताया था। ओके देखो ध्यान से, देखिए आपको इन सारे जानवरों के बारे में हमारे जो छोटी सी कहानी है उसमें यह सारे जानवर दिए हुए हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम उस कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है चलो शुरू करें हमारी कहानी चिड़ियाघर की सैर। हाँ कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। कौन, गीता। उसने देखा कि हर एक कहानी के पहले, आपको देखो मैं बता दूं कि आपकी कहानी में वहां चित्र दिए हुए हैं जिसमें क्या करना है, आपको उनके नाम लिखना है। ठीक है, तो ये कहानी तो मैं आपको सुनाऊंगी पढ़ाऊंगी समझाऊंगी भी, पर आपको इसके नाम आपकी खुद की कॉपी में लिखना है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई। उसने देखा कि कौन है पिंजरे में, शेर। शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ है। किसके, शेर के पिंजरे के पास। सिंह गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। शेर ने क्या किया, हाँ सिंह, सिंह गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग इसे देखकर बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। बंदर को क्या पसंद है सबसे ज्यादा, हाँ केला पसंद है, है ना। बंदर को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, केला पसंद है। तो लोगों ने क्या किया, बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा देखो वहां लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। देखा होगा आपने चिड़ियाघर में जब हम जाते हैं तो वहां इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश दिया होता है, ऐसा बोर्ड बना होता है जिसपे लिखा होता है कि कृपया जानवरों से दूर होकर ही उन्हें देखें और उन्हें कुछ ना खिलाए। ठीक है, तो वही निर्देश वहां भी दिया हुआ था जो कि दादाजी ने बताया। गीता बोल उठी दादाजी वह देखिए काला मुंह का बंदर। कैसा था, काला मुंह का बंदर। दादाजी जोर से हंस पड़े। कैसे, हा हा हा। दादाजी जोर से हंस पड़े और उन्होंने कहा
बिटिया वहाँ बंदर नहीं, वह क्या है? लंगूर है। हमने तो रोज हमारे एरिया में बंदर देखे होंगे, पर काला मुंह का बंदर बंदर नहीं, उसे लंगूर कहते हैं, है ना? और लंगूर का मुंह कैसा होता है? काला होता है। वहां उनके नाक पर सिंह वाला जानवर क्या दिखाई दिया? गेंढा दिखाई दिया, जिसके नाक के ऊपर क्या बनी थी? सिंह बनी थी। तो उसे क्या कहते हैं उस जानवर को? गेंढा कहते हैं। तो उन्हें क्या दिखा वहां उस नाक पर सिंह वाले जानवर को? गेंढा दिखाई दिया। आगे साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला क्या खड़ा था? जिराफ खड़ा था। देखा है आपने, सभी जानवरों में सबसे ऊंची गर्दन किसकी होती है? हाँ, जिराफ की। देखा है आपने? नहीं, मोबाइल में भी आप यदि किसी बच्चे ने नहीं देखा होगा तो वो आप आपकी बुक में भी देख सकते हो, मोबाइल में भी एनिमल्स के इसमें आप यदि देखोगे तो वहां भी आपको दिखाई देगा। तो ये कहलाता है लंबी गर्दन वाला जिराफ। धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। कहाँ ले गई? आगे ले गई। वहां दो पैरों पर खड़ा कौन खड़ा था? दो पैरों पे भालू खड़ा था। कौन खड़ा था? भालू खड़ा था। एक तालाब में, फिर उसी के बाजू जब गीता अपने दादा के साथ गई तो बाजू में क्या था? पानी का ऐसा बना हुआ था जिसमें क्या थी? रंग बिरंगी मछली बनी थी। क्या बनी थी? मछली बनी थी। जहां क्या था? बहुत सारी रंग बिरंगी मछली मछली थी, है ना? जिसके रंग बहुत सारे थे। कैसी थी वो? रंग बिरंगी मछली। और पानी में दूसरी ओर क्या तैर रहा था? बतख तैर रहा था, है ना? तो गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके कहा, दादाजी दादाजी वहां देखिए, पत्थर पत्थर चल रहा है। क्या कहा गीता ने दादा से? कि दादाजी देखिए ना, उस ओर पत्थर चल रहा है। दादाजी ने उसे समझाते हुए बोला, बिटिया वहां कछुआ है, वहां पत्थर नहीं। पत्थर जैसे दिखने वाला कछुआ है। कछुए की चाल कैसी होती है? धीरे धीरे। आपने देखा है कछुआ को? कछुए कैसे चलते हैं? धीरे धीरे। इसी के ऊपर कछुए और खरगोश की कहानी भी है ना, आपने सबने सुनी होगी कि कछुआ कैसे धीरे धीरे चलता है, है ना? जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। जब कछुए को देखा है आपने, कछुए को आपने देखना, मान लो आप कभी किसी कछुए को देखते हो और उसे छूने की कोशिश करते हो तो वह आपसे डरकर, आपके स्पर्श से डरकर वह अपने आप को अपने अंदर समेट लेता है। क्या कर लेता है? अपने अंदर खुद को बंद कर लेता है, जिससे उसके हाथ अंदर की ओर चले जाते और मुंह भी खुद अंदर छिपा लेता है। तो वह क्या दिखता है? छोटा सा पत्थर का टुकड़े जैसा दिखता है, पर वह पत्थर नहीं कछुआ होता है। तो वह क्या करता है डरकर? अपनी गर्दन और हाथ पैर को अपनी खोल के अंदर छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। खोल मतलब उसका ऊपर का ऊपरी जो हिस्सा होता है, जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कड़क होता है ना? देखना आप कभी कछुए को कि उसके ऊपर की जो चमड़ी तो नीचे होती है, पर जो ऊपर का जो सत्व होता है वो कैसा होता है? कठोर होता है ना? नारियल का कैसा वो डोल होता है ऊपर वाला, कड़क, है ना? वैसा वो खुद भी होता है। तो वह उसका क्या कहलाता है? रक्षक कहलाता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़ कर आगे आई। बड़े तालाब में उसने क्या देखा? तैरते हुए बड़े बड़े मगरमच्छ देखे। क्या देखा गीता ने? बड़े बड़े मगरमच्छ देखे। जैसे ही एक मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला तो वैसे ही क्या किया गीता?
चले गई और कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा देखा। क्या देखा? कुछ और चिड़ियाघर में अंदर जाते समय एक बड़ा सा पिंजरा देखा। उसमें उसने क्या देखा? रंग बिरंगी बहुत सारी चिड़िया थी, मैना थी, गौरैया थी, है ना, बहुत सारे प्रकार की वहां चिड़ियाए थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, दादा देखो वहां हरियल। हरियल मीन्स क्या होता है? हरियल का मतलब तोता होता है। तोता सबने देखा है ना। तोता कैसे होता है? तोता हरा रंग का होता है और सबके घर में होता है तोता। काफी सारे लोग तोते को अपने घर में पालते हैं। तोता बोलता भी है ना। तो उसने क्या देखा? हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ और उधर देखो एक सफेद विदेशी काकातुआ। क्या है एक विदेशी? जो कि हमारे इसमें नहीं मिलता वह विदेशी काकातुआ, इसे कहते हैं काकातुआ। गीता छाकर बोली, दादाजी कुछ पक्षी तो हमारे घर के पास में भी दिखाई देते हैं, जैसे कौवा। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ क्या देखा था? मोर देखा था। क्या देखा था? मोर देखा था। मोर जब सावन का महीना आता है और बारिश आती है तो मोर क्या करता है? अपने सारे पंख फैलाकर कैसे करता है? मोरनी नाचती है ना। तो क्या देखा था? मोर देखा था। दादाजी ने गीता को बताया, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? इन पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी, हाँ, शुतुरमुर्ग होता है, जिसकी टांगे बहुत बड़ी होती हैं और वह पैरों से ऊंचा होता है। वह कहते हैं शुतुरमुर्ग। यह शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। देखो कहाँ खड़ा है शुतुरमुर्ग? पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में और क्या क्या थे? सबसे बड़े हाथी और ऊंट नजर आए। चिड़ियाघर में आखिरी में क्या नजर आया? सबसे बड़ा हाथी और ऊंट नजर आया। और हाथी और ऊंट की हम क्या कर सकते हैं? सवारी भी कर सकते हैं। आप बैठे हो हाथी पर, देखा होगा आपने सर्कस में भी हाथी नजर आता है ना। हम कहीं घूमने जाते हैं तो केरल साइड, साउथ का साइड है केरल, वहां तो बहुत सारे हाथी नजर आते हैं। आप लोगों ने की है सैर? मैंने तो हाथी की सैर की है ना। आप लोग भी बड़े होकर करना, ओके। सामने कौन क्या खड़ा था? सामने गुल्फी का एक ठेला खड़ा था। तो गीता ने क्या कहा दादाजी से? कि दादाजी मुझे क्या चाहिए? कुल्फी चाहिए। तो दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाकर गीता के लिए कुल्फी खरीदी। दादाजी, सबके दादाजी करते हैं ना ऐसा, है ना, अपने बच्चों के लिए दादा दादी क्या खरीद देते हैं? चॉकलेट, आइसक्रीम, हाँ, खिलौने, कपड़े, क्योंकि बच्चे तो दादाजी के सबसे ज्यादा लाडले होते हैं, प्यारे होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार गीता के भी दादा ने गीता के लिए क्या खरीदी? कुल्फी खरीदी और छड़ी टिका टिका कर कुल्फी लेने गए, है ना। अब क्या हुआ? अब तक तो दोनों थक चुके थे। कैसे? इतना बड़ा चिड़ियाघर घूमे तो वो तो थक गए, है ना। तो थकावट के कारण उन्होंने क्या किया? चिड़ियाघर का सारी सैर की उन्होंने और आखिरी में कहाँ चले गए? गेट चले गए। कहाँ पर? गेट पर चले गए। कौन सा गेट? जहां से बाहर निकलने का रास्ता होता है चिड़ियाघर से, वह चिड़ियाघर से बाहर निकल आए। और उन्होंने क्या पकड़ी चिड़ियाघर के बाहर? बस पकड़ी। क्या पकड़ी? बस पकड़ी और अपने घर लौट गए। क्या हुआ? अपने घर आ गए। तो ये थी हमारी किसकी कहानी? चिड़ियाघर के सैर की कहानी, जिसमें हमने कई प्रकार के अनगिनत क्या देखे? जानवर देखे, जिनके बारे में हमें कभी पता नहीं था। आज इस कहानी के दौरान हमें वह भी पता चल गया कि कौन सा जानवर कैसा होता है, कौन सा जानवर
पेड़ के नीचे था। हाथी कहाँ था? हाँ, हाथी और ऊंट साथ में थे। शेर पिंजरे में था, है ना। हम शेर को खुला छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वह काफी खतरनाक जानवर है, है ना। जितना वह शांत होता है उतना ही वो हुंकार होता है। इसीलिए ऐसे बड़े बड़े जानवरों को चिड़ियाघर में कहाँ रखा जाता है? पिंजरा, पिंजरे में रखा जाता है। तो ये थी हमारी कहानी। आपको हमने कल पहले पेज में जितने भी जानवर दिखाए थे वह सारे जानवर हमें चिड़ियाघर की कहानी में नजर आए। ओके, और आगे यह थी हमारी चिड़ियाघर की कहानी। अब आपको क्या है, छोटे छोटे से प्रश्न है। गीता ने काले मुंह का बंदर किसे बोला था? हाँ बताइए, गीता ने काले मुंह का बंदर किसे कहा था? लंगूर को कहा था। किसे कहा था? लंगूर को कहा था। ये आपके प्रश्न है, मैं आपको इसको पढ़कर भी सुना रही हूँ और इसके उत्तर भी बता रही हूँ, परंतु आपको आपके बुक में कॉपी में इसको मुझे लिखकर दिखाना है, है ना। बाड़े में लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा था? हाँ मैं यहाँ उसके उत्तर आपको लिख देती हूँ। आप प्रश्न भी लिखेंगे और उत्तर भी साथ में लिखेंगे, ठीक है। आपको कहानी पसंद आई है ना? यही कहानी हम क्लास में हम ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते थे। ओके, ज्यादा अच्छे से समझ सकते थे। आप उसको प्रश्न पूछते, मैं आपको प्रश्नों के उत्तर देती, परंतु अब ऐसा नहीं हुआ। आज तो हमने हमारे मोबाइल के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू आपसे ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का उत्तर क्या है? मैं आपको यहाँ उत्तर लिखकर दे रही हूँ, आप कॉपी में लिखिए। ठीक है, गीता ने काले मुंह का बंदर किसे कहा था? लंगूर को। लंगूर को कहा था ना? बाड़े में लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा था? हाँ, हाथी था, ऊंट था या जिराफ था? कौन सा? वेरी गुड, कौन सा? जिराफ। गीता ने किसे चलता हुआ पत्थर समझ लिया? हाँ, गीता ने किसे? कछुए को। किसे? कछुए को चलता हुआ पत्थर समझ लिया, क्योंकि कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। विदेशी पक्षी का क्या नाम था? हाँ, विदेशी पक्षी का क्या नाम था? काका कुआ। क्या था? काका कुआ। यह पक्षी हमारे यहाँ नजर आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि इसीलिए इसे क्या कहा गया है? हाँ, इसे विदेशी पक्षी कहा गया है। बच्चों ने चिड़ियाघर में किसकी सवारी की? बच्चों ने चिड़ियाघर में किसकी सवारी की? ऊंट और हाथी की, है ना। ये दो जानवर होते हैं जिसकी सवारी हम कर सकते हैं, हाथी और ऊंट की। है ना, तो ये क्या थे? हमारे मौखिक प्रश्न थे और इन मौखिक प्रश्नों का मैंने आपको उत्तर लिखकर दिया है और आप आपकी कॉपी में इसका उत्तर लिखोगे, ठीक है। अब है शब्द सागर। सिंहा को क्या कहा जाता है? हाँ, सिंहा को शेर कहा जाता है, है ना। बाड़ा, बाड़ा मतलब क्या होता है? बाड़ा शब्द सागर।
ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ, ठीक है? आप आपकी खुद की कॉपी में इसे लिखोगे। सिंहा, शेर, बाड़ा। आपकी कहानी में बाड़ा शब्द आया है, क्या होता है? घिरा हुआ स्थान। इसी घिरे हुए स्थान में क्या होते हैं? चिड़ियाघर के सभी जानवरों को रखा जाता है, है ना? आपने देखा है क्या, क्या बाड़ा ना हो और जानवर आपस में ऐसे ही खुले घूम रहे हो? देखा है कभी? नहीं ना। चिड़ियाघर इसी के लिए बनाया जाता है कि वहां बाड़ा हो और उसी बाड़े में सारे जानवरों को एक साथ रखा जाए। एक साथ मतलब फिर भी उनके अलग अलग क्या होते हैं? हाँ, पार्ट क्या बने होते बेटा? उनके लिए अलग अलग जगह बनाई जाती है, पक्षियों की अलग, छोटे जानवरों की अलग, बड़े जानवरों के लिए अलग बनाया जाता है। खोल, कछुए के ऊपर का कठोर भाग। बताया था मैंने आपको अभी कि कछुए के ऊपर क्या होता है? हाँ, कटोरी कठोर जैसी रहती है जो टूटती नहीं है, जिसके अंदर कछुआ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और वह उसका रक्षा कवच होता है। रक्षा बचाने वाला, जैसे कछुए को क्या बचाता है? उसका रक्षा कवच बचाता है। ये है आपके शब्द सागर, आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है? आपको इसे आपकी कॉपी में राइट डाउन करना है ना? आपके नेक्स्ट पेज में है सही या गलत का चिन्ह। मैं बताऊंगी आप इसे आपकी कॉपी में क्या करोगे, राइट या रॉन्ग, सही या गलत या सही, ठीक है? चिन्ह आप लगाओगे। सिंह गर्जा पर कोई नहीं डरा, सही या गलत? सिंह गर्जा और कौन डरा? गीता डर गई। तो हमारा पहला उत्तर क्या आएगा? हमारा पहला उत्तर क्या आएगा? सही, है ना? सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है, सही या गलत? बताया था मैंने पक्षियों में सबसे ऊंचे उसके पैर होते हैं, है ना? तो क्या हुआ हमारा ये आंसर भी सही। बाड़े में सब लंबी गर्दन वाला कछुआ रह रहा था, कुछ भी। क्या है इसका उत्तर? बाड़े में सबसे लंबी गर्दन किसकी थी? हाँ, किसकी थी? कछुए की थी या जिराफ की थी? किसकी? जिराफ की थी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? गलत होगा। गीता ने नंगूर को बड़े मुंह वाला बंदर कहा था। बड़े मुंह वाला बंदर कहा था क्या गीता ने? काला मुंह का बंदर कहा था। क्या कहा? हाँ, काला मुंह का बंदर कहा था। तो यह भी क्या है? गलत। लंगूर को बड़े मुंह वाला नहीं, काला मुंह वाला बंदर कहा था। गेंडे की नाक पर बड़ा सिंह था। कहा था गेंडे की नाक पर, बताया था मैंने आपको। तो ये भी उत्तर हमारा क्या हुआ? सही हुआ। तो यह थे हमारे वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाए, ठीक है? अब है खाली स्थान भरो, ठीक है? आप ये उत्तर लिख लोगे।
अभी खाली स्थान भरो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यह मैं आपको इसके उत्तर लिख देती हूँ, आप आपकी बुक में लिखोगे। Thank you.